तो सुबह सुबह लेके आ गया तू हमारे लिए चाय, और अभी से एक गन का टैटू क्यों बनाया है तूने? क्या आफत आ गई थी ऐसी? नहीं, बहुत पसंद है। मेरी गन ले ले यार तू। लेना गन लेना पसंद है। ओ भाई ये तो कह रहा था दूध, वो नहीं है वो दूध नहीं है। अपने फैक्ट्री भाई ने अपने फैक्ट्री से निकाला दूध। देखो पड़ाकू लौंडा, ये इसका स्टडी टेबल है यहाँ पे। भाई भाई ने ना 4-5 एग्जाम क्लियर कर दिए, पर सोच रहा है कोई अच्छी सी जॉब करूं क्यों। हे व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया होंगे। कल छूट से आया और थक गया था काफी, सो गया था। मैं अतुल के कमरे पे आया और अतुल सुबह सुबह लेके आया चाय। अतुल के कमरे पे आया, सो गया था यार। मतलब इतना ट्रेवल किया, ट्रैक भी किया, शूट भी किया, थकान काफी लग गई थी। तो अभी मैं अपने रूम पे जाऊंगा, आज वहाँ पूरा क्लीन वीनिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, और फॉक्सी को भी घर लेके आएंगे क्योंकि दीदी लोग के वहाँ छोड़ी थी मैंने फॉक्सी को। तो अभी चलते हैं। अभी से चल भाई। तो अभी घर जाके नहाऊंगा धोऊंगा, अपने घर में नहाने का मजा ही कुछ और है। आ जा तू, ला जा स्कूटी में, घूमने का भी अलग ही मजा है। इसकी माँ के मजे मजे। तो आ गए हैं अपने घर पे। एक्सेंट यहाँ पे खड़ी है, जिप्सी बाहर खड़ी है, और बाइक तो लक्की लेके गया है। तो पंखा लगने वाला है अभी, हमारा अतुल बैठा है और सीढ़ी आ रही है। आ जा भाई सीढ़ी लेके। तो भाई सीढ़ी लेके आ गया, पंखा लगाते हैं यहाँ पे बस। तो अभी भाई हमें सिखा रहे हैं पंखा कैसे लगाते हैं। पेंटिंग के साथ साथ ये पंखा लगाना भी सीख गया है ना? सीख गया पंखा लगाना? तार अभी छोड़ी हुई है, अब करते हैं यहाँ पे। दोनों लौंडे ऊपर चढ़े हैं, करंट ना लग जाए भाई पे। एमसील डाउन की है हमने, मिशन सक्सेसफुल। हमारे इलेक्ट्रिशियन ने ढंग से लगा दिया। घर के लिए निकल गए सोनू भाई को, स्प्लिटर्स देने थे उनके वरना के। तो ये देखिए कितना गर्मी और ट्रैफिक हो रहा है यार। तो मैं दिल्ली से लेके आया था वरना के लिए स्प्लिटर्स। कैसे हो सोनू भाई, कैसे हो? तो गाइस दिन में अपना सारे काम निपटाए और मैं सो गया था उसके बाद। अब जाके मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। अब मेरे को घर के लिए कुछ सामान लेने जाना है, मतलब जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, क्योंकि इस रूम में नया नया आया हूँ। पहले मैं दीदी लोग के साथ रहता था, तो नया नया इस रूम में शिफ्ट हुआ हूँ। तो अब मेरे को मुझे ना सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी खुद के लिए, तेल, धनिया, मिर्ची, हल्दी, प्याज, टमाटर, जो भी होता है घरेलू चीज़ें, तो वो अब मैं लेने जा रहा हूँ। और किचन में देखिए मैंने बर्तन धो के ना सारे रख दिए थे, इतने सारे बर्तन है मेरे पास। तो अभी और भी चीज़ें सेट करनी है, पर क्या करें, धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। हालत काफ़ी टाइट हो रही है और मेरे कर्ली हेयर्स देखो कैसे लग रहे हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो आ गए हम कार के पास, और विशाल मेगा मार्ट या रिलायंस जियो, रिलायंस मार्ट, रिलायंस मार्ट जो भी है, मतलब वहाँ जाके मैं सामान लेने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे नारियल पसंद आ रहे हैं तो नारियल ले रहा हूँ, काफ़ी टाइम से खाया भी नहीं। और ये है ना हमारा भाई आर्यन, इसके पास से ले रहा हूँ मैं नारियल। तो अभी ले रहा हूँ प्याज और आलू, ये भी इसी की शॉप है। मंडी में ना काफ़ी भीड़ है। टमाटर कैसे दिए भैया? मजा नहीं आया। तो मुझे ये बीन्स काफ़ी, पतेला छेमी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बड़ी वाली बीन्स, तो ये ले रहा हूँ मैं अपने लिए। और भी चीज़ें लेते हैं सब्जी में। तो अभी आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे। लास्ट डे तब भराया था तेल जब गोपेश्वर से आए थे। चलो जी धन्यवाद। अपना ही पंप है ये, है ना अंकल? हाँ। तो अभी हम दो जगह पे खड़े थे, पेट्रोल पंप पे भी लड़ाई चल रही है और जहाँ पे सब्जी ले रहे थे वहाँ भी बाहर के लोग। वाली यूपी वाली नंबर गाड़ी थी, ये दिल्ली नंबर गाड़ी थी। तो यहाँ पे ना कोई कह रहा है कि तुमने हमारी गाड़ी में नशा कर रखा है सबने, क्योंकि संडे एंजॉय कर रहे हैं सब। और कोई कह रहा है कि तुमने हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, तेल की सुई उठनी थी। कोई कह रहा है कि क्या बोलते हैं, तूने कि मेरे को गाली कैसे दे दी, ये वो। सो मैंने लड़ाई दिखाई नहीं आपको, बट मैंने खुद देखी है। क्यों भाई अभिषेक? बिल्कुल दूसरा ने दलाल देहरादून के तो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है वरना। मैं स्मार्ट बाजार रिलायंस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते तो ये है मसाले का कॉर्नर, और छोटे छोटे पैकेट लूंगा मैं।
है ना। मिर्ची का है, इतनी चीज़ें ले ली है, और बाकी ये भी देखते हैं अभी क्या 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 लेता हूँ मैं इनमें से। तो अभी अरहर की दाल और थोड़ा मिक्स दाल ले रहा हूँ अपने लिए। शॉपिंग करना भी ना अपने में एक मतलब टास्क हो जाता है, और लड़के जब शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ हो जाती है ना, क्योंकि मोस्टली घर में दीदी लोग और मम्मी लोग ही लेके आ जाते हैं सब कुछ। अभी मुझे सोचना पड़ रहा है क्या क्या लूँ क्या क्या ना लूँ। ये भी ले लेता हूँ यार। आ गए हैं बिलिंग काउंटर पे, बिलिंग करवाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, थोड़ी चीज़ें ली हैं जो डेली यूजेस की। वेलकम, चलिए से गाड़ी में डालते हैं। तो गाइस अभी ले लिया है सामान, अब कार में डाल देते हैं और फिर जाते हैं घर, क्योंकि घर में ना खाना भी बनाना है। तो निकल चुके हैं हम घर के लिए। तो अभी खाना बनाने की तैयारी चल रही है, कमरे की हालत तो फिर से ख़राब हो गई। और अभी हम दोबारा गैस का पाइप लेने भागे, पता नहीं इतने टाइम से मिल नहीं रहा, फिर कहाँ रखा था इतने टाइम से। अब गैस का पाइप लाए, फिर अब खाना बना रहा हूँ राजमा चावल बन चुका हमारा। तो गाइस बन चुका हमारा दाल चावल, और वैसे मैं राजमा बनाने की सोच रहा था, बट ना पीली दाल बनानी पड़ी क्योंकि प्रेशर कुकर का ना हमारे पास ढक्कन में रबड़ लगती है, वो थी नहीं, तो इसलिए हमने इसमें उबाली फिर उस पर कढ़ाई में बनाई। अब खाते हैं फटाफट। तो गाइस खाना पीना सब हो गया है, और अब आपका भाई एडिटिंग के लिए बैठ चुका है, एडिटिंग कर रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।